बेटा 2 मिनट का मेरे को जरा समय दो आप लोग। आई वॉन्ट टू मेक एन इम्पोर्टेंट फोन कॉल। साउंड इज नॉट कमिंग। अब आ रही आवाज? यस सर। नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन जीरो, यहाँ पे नेगेटिव एक एक्स्ट्रा है, हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, माइनस वन और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो पहले लेस देन था वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। लेस देन की जगह वहां पे ग्रेटर देन हो जाएगा। एंड माइनस से माइनस करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो विल हैव एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। कौन कौन से पॉइंट है, माइनस टू, माइनस वन एंड वन। यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन यहां से आया, पावर वन है, ऑड पावर है। माइनस वन कहां से आया, यहां से ऑड पावर है। माइनस टू कहां से आया, यहां से इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन कौन सा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए आंसर विल बी माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, यूनियन माइनस टू टू माइनस वन, यूनियन वन टू इनफाइनाइट। That's the answer. बट सर आंसर शीट में ये नहीं था सर, इसमें माइनस टू और माइनस वन नहीं था बीच वाला। हाँ तो कर लो, आंसर कर लो, देखो इनफैक्ट चेक भी करके देख सकते हैं, माइनस टू से माइनस वन के बीच में कौन सा नंबर होगा, माइनस 1.5 हो सकता है। माइनस 1.5 जो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ रहा है, या माइनस 3/2 जिसे कह सकते हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, विल हैव माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3/2। तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है माइनस का 5/2, यहाँ पे आ रहा 1/2, यहाँ पे 3/2 माइनस 1 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 5 इंटू 1/4, माइनस 5/4 आ रहा है जो कि लेस देन जीरो, इसका मतलब ये हमारा सही है, इसका मतलब ये इंटरवल इसमें होना चाहिए, माइनस 2 टू माइनस 1 इंटरवल इसमें होना चाहिए, दिस शुड बी देयर। सब बच्चे नोट डाउन कर लो जरा। और किसी को भी डाउट इसमें,
एनीवन हैज एनी डाउट? नो, समवन आस्क्ड कि इज इट इम्पोर्टेंट टू शो जीरो ऑन द रियल नंबर लाइन? जीरो हम सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि जिससे हमें पता लग जाए कि उसके लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर आएंगे, उसके राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर आएंगे, वरना अदरवाइज अगर किसी को उन दोनों चीजों का प्रॉपर आइडिया खुद से है तो जीरो अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय ओम, दैट इज द आंसर फॉर एवरीवन। तो 13 हो गया। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 13 में? एनीवन हैज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 13? चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 कराते हैं। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 4 लेस देन 0। टी माइनस 4 इंटू टी माइनस 1 लेस देन 0। बेबी कर्व मेथड लगाएंगे, ये 1 है ये 4 है, प्लस माइनस प्लस, लेस देन जीरो चाहिए तो ये होगा टी लाइज बिटवीन 1 टू 4। टी लेकिन क्या था? एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 1 टू 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 4। दोनों काम करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x belongs to minus infinity to minus 1, union 1 to infinite, और x square less than 4 मतलब x square minus 4 less than 0, x plus 2 into x minus 2 less than 0, ये इंटरवल हो गया minus 2 से लेके plus 2 तक, plus minus plus, तो x belongs to minus 2 to plus। अब हमें दोनों काम करने थे, वी हैड टू डू बोथ द वर्क्स, कि एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा भी होना चाहिए और एक्स स्क्वायर 4 से छोटा भी होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 4 से छोटे होने की कंडीशन आ रही है ये, और एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होने की कंडीशन आ रही है ये। हमें क्या लेना पड़ेगा? दोनों का इंटरसेक्शन। वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या है? देखो, एक पर्सन कह रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और एक पर्सन कह रहा माइनस 2 से 2 के बीच में। तो हाउ डू वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कंडीशंस इज एज फॉलोस। व्हाट डू वी डू? क्या करना पड़ता है हमको? हमने पहले इंडिकेट कर लिए कौन कौन से पॉइंट, माइनस 1 1 माइनस 2 2। तो माइनस 2 है, माइनस 1 है, 1 है और 2 है। ये इक्वालिटी क्या कह रही थी? पहले वाली इक्वालिटी फर्स्ट वन, इट वाज सेइंग माइनस इनफिनिटी से माइनस 1, माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 और 1 से इनफाइनाइट। दूसरी इक्वालिटी क्या कह रही थी? ये वाली माइनस 2 से 2 के बीच में, माइनस 2 से 2 के बीच। तो अगर हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, वी नीड द इंटरसेक्शन, कि भाई इन दोनों में आपस में कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द टू। तो कॉमन वो पार्ट होगा जहां पे दोनों लाइन प्रेजेंट होंगी,
ब्लू एंड रेड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, -2 से -1 तक और 1 से 2 तक। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल रीड एज कि -2 टू -1 यूनियन 1 टू 2, दैट्स द आंसर। ये आंसर कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 30 जिन्होंने पूछा था वो कह रहे हैं मेरा डाउट नहीं, 30 का तो समझ में आ गया। और किसी को कुछ पूछना हो, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग इस वाले क्वेश्चन में जिसका सोल्यूशन अभी बोर्ड पे लिखा है? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अगला हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 इज, आई थिंक 15 इसके जैसा नहीं है, 14 के जैसा, कि एक्स स्क्वायर को टी मान लो। एक्स स्क्वायर को टी मानने के बाद क्या होगा? एक बार आपने एक्स स्क्वायर को टी माना, चलो करवा देते हैं, फिर थोड़ा फास्ट करवा दूंगा क्योंकि मतलब ये टेक्निक अब आपको पता लग गई एक्स स्क्वायर को टी मारने की और उसके बाद चीजों को करने की। चलो सब बच्चे ट्राई करो, जिन जिन का भी डाउट था कि एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, 2 मिनट के लिए ट्राई करो आप सब लोग, फिर मैं कराता हूँ। जिन जिन ने भी ट्राई ना किया और जिनको ना समझ में आया, एक्स स्क्वायर को टी मानो और जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया सब लोग ट्राई करो ऐसे। अच्छा, काफी सारे बच्चों ने आंसर भी भेज दिया, -3 to 3 क्लोज इंटरवल। लेट मी सी कि क्या है, एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, ये बन जाएगा टी स्क्वायर -2t -63 लेस देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा टी -9 इनटू टी +7 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा टी बिटवीन -7 to 9। लेकिन टी क्या है? एक्स स्क्वायर -7 to 9। लेकिन एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी होगा? एक्स स्क्वायर 0 है 0 से बड़ा, तो इसका मतलब 0 less than equal to x square less than equal to 9, इससे कोई कंडीशन आएगी नहीं x, हर x के लिए। अगर कोई कहता है x square greater than equal to 0 कब होगा? For x belonging to all real numbers, सब सारे real numbers के लिए इसका square हमेशा non negative होगा। x square less than equal to 9, x square minus 9 less than equal to 0, x plus 3 into x minus 3 less than equal to 0, x belongs to closed interval -3 to, यही आंसर हो गया। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन भी लोगे, इसका और इसका, तो इंटरसेक्शन आएगा ये वाला, यही इसका आंसर हो जाएगा -3 to +3, दिस विल बी द आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद ट्राई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38। तो 15 से 38 के बीच में किसी को कोई अगर डाउट हो तो पूछ लें।
एनी क्वेश्चन बिटवीन 15 to 38। 24 पूछा है तनिष्क ने, 24 और 30 फिर से किसी ने डाउट पूछ लिया है, 24 और 30। 24 क्वेश्चन है एक्स प्लस वन, अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर लेस देन वन, लेस देन वन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। जैसे मैंने बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रेफरेंस देना है ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो हम वन को इधर ले आएंगे। ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई, मना किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमने वन को इधर लाके एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा? एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर लेस देन जीरो। इससे क्या आएगा? एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर लेस देन जीरो। वन से वन कैंसिल हुआ, वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स एंड एक्स थ्री एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर लेस देन जीरो। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर लेस देन जीरो। इसको फर्दर कैसे लिखेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, माइनस वन से, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, एक्स इनटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो इनटू माइनस, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा माइनस था यहाँ पे, इनइक्वालिटी पहले लेस देन थी, ग्रेटर देन जीरो हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स इंटू x माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू वन। इंडिकेट कर देंगे रियल नंबर लाइन पे किस किस को, जीरो वन एंड थ्री। स्टार्ट किसे करेंगे? प्लस थ्री पे पावर कितनी है? वन, ऑड पावर साइन चेंज। वन पे पावर कितनी है? टू, नो साइन चेंज। जीरो पे पावर कितनी है? वन, साइन चेंज। हमें क्या चाहिए था? ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो। तो माइनस इनफिनिटी से जीरो, यूनियन थ्री टू इनफाइनिट, सो द आंसर विल बी माइनस इनफिनिटी से जीरो, यूनियन थ्री से इनफाइनिट, दैट्स द आंसर। तो ये जिनका डाउट था उनको समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत हो? नो सर, आ गया, समझ में आ गया। फिर मुनमुन ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 30।
हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने -7 को 0 को कर रख दिया सर, कैसे? ना कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए सुन नहीं पाया। -7 को यस सर, -7 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्रीवियस क्वेश्चन में। -7 था। हाँ मतलब ऐसा था ना कि एक्स स्क्वायर ऐसा लिख रखा था कि एक्स स्क्वायर जो है वो -7 या उससे बड़ा हो, लेकिन एक्स स्क्वायर तो हमको पता है ना 0 या 0 से बड़ा होता है, हाँ ठीक है। -7 से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। किसी भी चीज का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है कि नहीं, तो हाँ इसका ये मतलब तो वो है, हो -7 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया कि नहीं। गया। मतलब अगर हमें ये पता है कि ये इंटरवल है, ये 0 है, ये -7 है, कोई हमसे कह रहा है कि इससे बड़े रहना, मतलब इससे आगे रहना, हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज तो इसके आगे रहती है हमेशा, एक्स की कोई भी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये 0 है, 0 के आगे ही रहेगा। अरे बस हमें किसी ने कहा -7 है उससे आगे रहना, ये कह रहा है मैं तो एक्स की हर वैल्यू के लिए 0 है, 0 से आगे रहता हूँ, आप मुझसे क्या कह रहे हो -7 के आगे रहो। मैं तो 100% -7 के आगे रहूंगा, मैं तो -6 के भी आगे रहूंगा, -5 के भी आगे रहूंगा। अगर मैं 0 के आगे हूं तो क्या मैं -7 के आगे होऊंगा या नहीं होऊंगा? होगा तो बस ये इनइक्वालिटी क्या चाहती थी कि एक्स स्क्वायर को -7 से बड़ा करना चाहती थी। एक्स स्क्वायर ने कह दिया है मुझ में कोई भी वैल्यू रख लेना, मैं -7 से तो हमेशा बड़ा ही आऊंगा सारे रियल नंबर्स के लिए, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी रियल नंबर लाइन ही मेरा सॉल्यूशन है। ओके। और सर ये बता दो, आपने इस क्वेश्चन में 0 क्यों लिया नंबर लाइन पे? नहीं जीरो इसलिए लिया क्योंकि हमें सर, इस पता है क्वेश्चन में, इस वाले में, इसमें इसी में। हाँ इसमें ये चेक करो आप, ये जो इसको जीरो रखते हो, जब इसको जीरो करते हो तो एक्स बराबर क्या आता है 3, इसको जीरो करते हो तो एक्स बराबर क्या आता है 1, जीरो वन करोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स -0, ठीक है, ओके इसलिए इसका रूट क्या हुआ जीरो, जीरो। इसलिए 0 पर इंडिकेट किया, और इसके फैक्टर की पावर कितनी है 1, इसलिए इसका साइन चेंज हुआ। और किसी को कुछ पूछना हो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, 15, 30। अब जो अगला क्वेश्चन है, नहीं 24 हुआ था शायद, 30 मुझे भी करना है। क्वेश्चन नंबर 30 आई डू 1 -2x -3x2। उससे पहले और किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, अभी तक कराए हुए सवालों में से कुछ समझ में ना आया हो। -2x -3x2 / (3x - x2 - 5)> 0। यह क्वेश्चन नंबर 30। तो इसको ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो आएगा 3x² + 2x - 1, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें तो (x² + (x² - 3x + 5)) 0। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब इसको पर्टिकुलरली अगर हम कंपेयर करें इसके साथ (ax² + (bx + c) के साथ, तो a = 1, b = -3, c = 5। तो ए क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, >0 आ रहा है। b² - 4ac क्या आ रहा है? -3 का स्क्वायर - 4 × 1 × 5 (9 - 20) मतलब -11, यानी कि <0 आ रहा है। b² - 4ac <0। a is >0। इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात? ये वाला ब्लू हैंड्स भेजा बेटा, ब्लू हैंड्स, टेक, थम्स अप, डन, गॉट इट, कुछ भी भेज सकते हो। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? x² + -3x + 5 will be a positive quantity always,
for all x belonging to all real numbers, minus infinity to plus infinity. तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है वो इनइक्वालिटी में ड्रॉप हो जाती है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको ड्रॉप कर दिया तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसमें 3 1 जा 3 होगा, 3x माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 3x into x plus 1 माइनस 1 into x plus 1 ग्रेटर देन 0, 3x माइनस 1 into x plus 1 greater than 0. इनको इंडिकेट करेंगे रियल नंबर लाइन पे, एक रूट है माइनस 1 और एक रूट है 1/3, प्लस माइनस प्लस, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए पर ये और ये होगा, तो आंसर विल बिकम माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, दिस विल बिकम आवर आंसर. बताओ बेटा, ग्लू हैंड्स, थम्स अप, टिक, यस, गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, 30 के बाद बच्चों ने क्या 34 पूछा था या 38 पूछा था, फिर से लिख के भेज दें एक बार, 30 के बाद 38 के बाद 54 55 और इसके अलावा और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 55, ये बताओ कितने बच्चों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a cube plus b cube should be a plus b a square minus ab plus b square. ये फॉर्मूला होता है a cube plus b cube का, क्योंकि इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो है 2x square plus 1 upon x greater than 0. हो जाएगा 2x cube plus 1 upon x greater than 0, इसमें से 2 ले लेंगे common, x cube plus 1 upon 2 divided by x greater than 0, 2 एक positive quantity इसको drop कर सकते हैं, and we can write it further as x का cube plus 1 upon 2 की power 1/3 उसका cube upon x greater than 0. हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसका क्यूब था ऑलरेडी और ये नॉर्मल नंबर लिखा हुआ था, तो हमने इस नंबर को 1 upon 3 करके पावर 3 कर दिया, जिससे कि हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकें और इसको फैक्टराइज कर सकें. इस a क्यूब प्लस b क्यूब को फार्मूले को हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए यूज किया है, लिखने के कन्वीनियंस के हिसाब से हम थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लेते हैं, 1 upon 2 की पावर 1 upon 3 को, लेट अस कंसीडर लैम्डा. तो ये क्या बन जाएगा, दिस न्यूमरेटर विल बिकम x क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस लैम्डा, x स्क्वायर माइनस x इनटू लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0. नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू नेगेटिव का लैम्डा और c की वैल्यू लैम्डा का स्क्वायर. तो a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है,
माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू लेमडा स्क्वायर, यानी कि लेमडा स्क्वायर माइनस फोर लेमडा स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव थ्री लेमडा स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव क्वांटिटी होगा हमेशा, विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ए बराबर वन, बी बराबर माइनस लेमडा, सी बराबर लेमडा स्क्वायर, अगर हमने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए पॉजिटिव आ रहा है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव थ्री लेमडा स्क्वायर आ रहा है। लेमडा स्क्वायर क्या होगा, लेमडा इज टू की पावर वन अपॉन थ्री, लेमडा का स्क्वायर विल बी टू की पावर टू अपॉन थ्री, जो कि जीरो से बड़ा है हमेशा, तो ये जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा है, इसके अगर माइनस लगाए तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया जहां पे ए जीरो से बड़ा है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है। ऐसे केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्वांटिटी को जब मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट होती है इनइक्वालिटीज में से ड्रॉप कर देते हैं, तो ये पोर्शन ड्रॉप हो जाएगा, तो दिस इनइक्वालिटी विल बिकम x plus lambda upon x greater than zero। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? Done? Yes? Come sir? Hello sir? हाँ बोलो बेटा, tell me। सर ये तो समझ में आता है पर वो स्टार्टिंग से आपने कैसे किया था ये समझ नहीं। स्टार्टिंग से मतलब कहाँ से, ये यहाँ से पूछ रहे हो? नहीं सर इससे इससे थोड़ा आगे से। यहाँ तक आ गया? हाँ सर यहाँ तक आ गया, इससे ही होता है। इसमें से अगर टू कॉमन लेंगे यहाँ पे तो एक्स क्यूब बचा रह जाएगा। यस सर। और यहाँ पे इसको वन को लिख सकते हैं या टू इनटू वन अपॉन टू इनटू वन अपॉन टू क्या होगा, टू से टू कैंसिल होकर बढ़ा जाएगा। यस सर। हाँ सर पर ये वन अपॉन टू की पावर इससे आगे वन अपॉन वन हो जाएगी। अब ये बताओ वन अपॉन टू की पावर वन अपॉन थ्री है और उसकी पावर थ्री है, तो अगर इन दोनों पावर को कैलकुलेट करना होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर हो जाएंगे। ओके सर मैंने इसको 1 / 3 क्या होगा? यस सर। यस सर क्लियर। इसको 1 / 2 लिख सकते हैं? यस सर क्लियर है सर। थैंक यू। 1 / 2 की पावर 1 / 3 को बाद में फिर हमने लैम्डा मान लिया। यस सर थैंक यू। तो इसलिए ये क्वांटिटी को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास। अब लैम्डा कैसी क्वांटिटी है? लैम्डा है नेगेटिव 2 1 / मतलब लैम्डा इज पॉजिटिव 2 1 / 3। इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? एक तो जीरो आएगा और एक आएगा नेगेटिव टू की पावर वन अपॉन थ्री, टू की पावर वन अपॉन थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए था? ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ और यहाँ, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके नेगेटिव टू वन अपॉन थ्री यूनियन जीरो से लेके इनफाइनाइट। सर आंसर शीट में तो माइनस के वन अपॉन वो रखा है क्यूब रूट टू। हाँ तो मैंने ये वन अपॉन टू लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे ये होगा लैम्डा की वैल्यू तो लिखनी है नेगेटिव लैम्डा, समझ गए? लैम्डा बराबर अगर ये है तो नेगेटिव लैम्डा, इसका इसको जीरो करोगे तो एक्स बराबर क्या है? नेगेटिव लैम्डा, वेयर लैम्डा इज दिस। तो ये है माइनस वन अपॉन टू की पावर वन अपॉन थ्री, गलती से लिख दिया। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था, मतलब एक्स आ गया था, मतलब यहाँ पर टू एक्स क्यूब प्लस वन आ गया था, तो हाँ। इस वाली ऊपर वाली वैल्यू को एक्स के जीरो के इक्वल रख दो, फिर उसके बाद ये उधर चला जाएगा, मतलब माइनस वन अपॉन में टू, फिर उसके बाद इसका क्यूब रूट करके वो, तो उसका भी मतलब यही हो गया ना, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लीनियर एक्सप्रेशन चाहिए ना, ये तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक बराबर क्या आया? क्यूबिक बराबर आया लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के भी रूट्स हो सकते थे, लेकिन हमने कहा कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो नॉन रियल है और ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो हमने इस क्वाड्रेटिक को ड्रॉप कर दिया और इसका रूट निकाल लिया। जो आप कह रहे हो चीज, आप इसको डायरेक्टली जीरो के बराबर रख के
आप कह रहे हो कि जो रूट आया वही मैं मान लेता हूँ, रियल नंबर लाइन पे इंडिकेट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ yes, जिस क्यूबिक को हमने फैक्टराइज किया उसमें लीनियर आया एक क्वाड्रेटिक आया, तो हमने कहा उस क्वाड्रेटिक को हम ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा भी तो हो सकता था ना, उस क्वाड्रेटिक का अगर कोई रियल रूट्स आते तो वो भी अपनी बेबी कर में उपस्थिति दर्ज कराते, यहाँ पे इंडिकेट होते रियल नंबर लाइन पे, उनकी वजह से भी साइन चेंज होता। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ऐसा होता एक्स क्यूब माइनस एट होता, ठीक है ना, तो मतलब इसको कैसे करते, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करते ही नहीं करते। यस सर, तो हो सकता था इसके रूट्स रियल आ जाते, राइट? यस सर, इसलिए वैसा करना सही नहीं है कि क्यूबिक का डायरेक्टली रूट लग निकाल कर इंडिकेट कर दो रियल नंबर लाइन पे। आपको उसे फैक्टराइज करना चाहिए, उसका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है उसको देखना चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। इस नंबर लाल पे आपने जीरो को शो क्यों किया है? जीरो को शो क्यों किया, इसकी वजह से ये जो नीचे x है इसको x माइनस जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा उसके रूट को? यस सर। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है और से जो स्टार्टिंग में वो आ रहा था 2, उसको हमने उसको भी ड्रॉप कर दिया था हमने उसको, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। यस सर, यस सर, ये ओके सर, है ना? सर इस क्वेश्चन में एक डाउट था। हाँ बोलो। इसमें सर दो वैल्यू ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में इक्वल आ रही थी, तो सर उनको काट सकेंगे कि नहीं? मतलब उसमें काट सकेंगे, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जिस वैल्यू को काट रहे हो वो जीरो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जीरो जीरो से कैंसिल नहीं होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये x माइनस वन का स्क्वायर आ गया है ना, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर है, ठीक है? ऐसा yes, आया। अब इसको लिखेंगे, ये greater than equal to zero है, यहाँ पे minus से multiply कर देते, inequality का sign change कर देते, तो minus one से multiply कर दिया, minus इसको factorize कर दिया x minus four, x plus one, लेकिन common कहाँ आ रहा है, same कहाँ आ रहा है, cancel तो नहीं हो रहा, factorize गलत किया था कि तुमने? सर शायद शायद गलत ही हो गया था। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा हो भी कि x माइनस वन आ गया, नीचे भी x माइनस वन आ गया, दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ना ऊपर दिख रहा ना नीचे दिख रहा, मतलब क्वेश्चन मान लो ऐसा हो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसा है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, तो मैंने इसको इससे कैंसिल किया, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने इसको इससे कैंसिल किया, तो मैंने जो फैक्टर कैंसिल किया है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब x वन के बराबर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगर मुझे ये आ भी गया कि x into x minus 2 less than equal to 0, तो मेरे पास आएगा कि ये जीरो है, ये टू है, ठीक है, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये और ये, इसका मतलब इसके हिसाब से तो आंसर ये आना चाहिए जीरो टू टू, लेकिन x को 1 के बराबर नहीं होना है, जो हमने यहाँ पे कैंसिल करने पे इससे गारंटी दी थी इसको, तो इसका मतलब आंसर ये नहीं होगा, बल्कि आंसर होगा 0 से लेके 1, यूनियन 1 से लेके 2, 1 को हटाना पड़ेगा, या फिर आप इससे भी हटा सकते हो कि 0 टू 2 क्लोज इंटरवल माइनस 1, 1 नहीं होगा सॉल्यूशन। डज दैट सॉल्व योर डाउट? यस सर। सर
एग्जांपल को अपने पास नोट डाउन कर लें तुरंत, ये पूरा जो मैंने बताया है ये वाला, ये इस वाले क्वेश्चन से अलग है जो अभी क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन ये है x minus 1 x into x minus 2 upon x minus 1, उसमें से ये कह रहे थे कि अगर सेम चीज कैंसिल हो रही है तो क्या करते हैं। हमने कहा था जिसको कैंसिल करते हैं उसकी गारंटी देनी पड़ती है कि वो जीरो नहीं होगा। उसकी गारंटी दोगे अगर तो इसका मतलब आगे जाके अगर वो आ भी गया सॉल्यूशन में तो उसको सॉल्यूशन में से निकालना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। लेकिन सर इस वाले एग्जांपल का राइट आंसर कौन सा है? जो अभी कर रहे हैं क्वेश्चन वो ना? नहीं सर, इसी वाले का जो भी बताया। इसका राइट आंसर ये है, ये या फिर ये, दोनों एक ही बात है। सर इसको नहीं लिख सकते कि स्क्वायर ब्रैकेट 0.2 स्क्वायर ब्रैकेट। देखो लेकिन उसमें 1 आ रहा है ना बीच में, तो 1 हटाना पड़ेगा ना, 1 निकालना पड़ेगा, 1 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि 1 रखोगे तो क्या पे 0.0 आ जाएगा। हो गया सर। तो इस केस में माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, फिर रूट्स को इंडिकेट करेंगे रियल नंबर लाइन पे क्या क्या आएंगे, माइनस टू माइनस वन वन एंड फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब यहां से पहले प्लस चलेगा माइनस प्लस, हाँ ये वन पे क्या है, वन पे पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट किया, फोर पे पावर ऑड थी साइन चेंज हो गया, वन पे पावर इवन थी साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस वन पे पावर ऑड थी साइन चेंज हो गया, इस पे पावर ऑड थी साइन चेंज हो गया। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, ये हाँ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू फोर एंड माइनस वन, तो फोर नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस टू यूनियन विद माइनस वन से लेके फोर, ये हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। सर वो इसके माइनस टू के उधर भी तो है माइनस, तो वो भी तो लेंगे। हाँ वो भी लेंगे राइट, वो मैं भूल गया हूँ, इसमें नहीं किया है मैंने, तो कहाँ से लेंगे, इसका मतलब इसी इंटरवल को चेंज कर देते हैं, इस इंटरवल को क्या कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस टू, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। इसके बाद और भी डाउट 55 के बाद अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो,
सर एक 67 में सर थोड़ी सी मतलब वाला प्रॉब्लम सी है। आप देखोगे इसमें दोनों ब्रैकेट में एक ही क्वांटिटी दो बार आ रही है, मतलब यही क्वांटिटी ये दो बार आ रही है। तो इस इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको टी मान लेते हैं। इसको टी माना तो क्या बन जाएगा, टी प्लस वन टी माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस थ्री माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस थ्री माइनस फाइव, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब टी माइनस फोर इंटू टी प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो इसका मतलब टी या तो फोर या फोर से बड़ा हो और टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर और लेस देन इक्वल टू माइनस टू। अब लेकिन टी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स था, तो या तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स शुड बी greater than equal to 4 या फिर x square plus 3x should be less than equal to minus 2। यहाँ पे तो अब हमें यहाँ पे जब और की कंडीशन होती है ना और तब लेना होता है यूनियन, जब एंड होता है तब हमें लेना होता है इंटरसेक्शन। तो करो जरा इन दोनों को सॉल्व सब बच्चे। हाँ भाई कितने बच्चों ने कर लिया है? इसका आंसर x square plus 3x minus 4 greater than equal to 0, x square plus 3x plus 2 less than equal to 0. और क्या-क्या आंसर आ रहे हैं इनके respectively? For example, if you take 4 on this side, this can be factorized as, which will after Weber method gives you minus infinity to minus 4 union 1 to infinity closed interval x square plus 3x plus 2 less than equal to 0, x plus 1 into x plus 2 less than equal to 0, minus 2 and minus 1 plus minus plus
ये देगा आंसर माइनस टू टू माइनस वन। आप देखोगे माइनस टू टू माइनस वन जो है इंटरवल वो इसके बीच में आ रहा है, तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ये और ये साथ में हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बिकम माइनस इंफिनिटी टू माइनस फोर यूनियन माइनस टू टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनिट, दिस विल बी द आंसर। इसका और इसका कंबाइन करके यूनियन करके ये आंसर आ गया। कुछ बच्चों ने सही आंसर भी लिख के भेजा है, विपुल, हर्षी और तनिष्क और ओम, इन बच्चों ने सही आंसर लिख के भेजा है। और एक बच्चे का भी आंसर आया था अभी, दिशिता दिव्यांशी, दिव्यांशी ने लिख के भेजा यस सर सेम आंसर। माधव शर्मा, काफी सारे बच्चों ने कर लिया। सुरभि ने भी लिख के भेजा सर सेम आंसर। आठ बच्चों का आ गया इसका मतलब। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जो x square plus 3x minus के 3 है सर, इसको b square minus के 4 इसी से जो सर वो आ जाएगा ना negative, मतलब वो जो उसका discriminant होगा जो तुम b square minus 4 इसी वाली चीज कहते हो। अरे हाँ सर नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, वो नहीं आएगा। और एक बात, अगर आ भी जाता तो क्या हम इसे drop करते या नहीं करते? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको plus 3 भी कर देता हूँ और इसका b square minus 4 इसी less than 0 भी आ जाता है, तब भी हम इसको यहां से ड्रॉप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? क्वेश्चन ये है कि कल मैंने ये बात बताई थी कि ड्रॉप करने के लिए क्या जरूरी है। नोशन नहीं कर सकते थे। हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्या कंडीशन है ड्रॉप करने के लिए? RHS में जीरो होना चाहिए ना, RHS में जीरो कहाँ है? RHS में तो फाइव बैठा है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं ना कि अगर आपसे कोई कहता है 2A is greater than 3 तो आप 2 को ड्रॉप कर दो, कह दो A greater than 3, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, उसके लिए जीरो होना जरूरी है उस तरफ, तब जाके आप ड्रॉप कर सकते हो उसको 2 को, पॉजिटिव क्वांटिटी को। यहाँ पे अगर 5 है तब तक ये ऐसे ड्रॉप नहीं हो सकता यहाँ से, even if b square minus 4 is less than 0 आ जाता तब भी। बात समझ में आ रही है बेटा? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, यस सर। चलो खैर, तो ये एक चीज होती है अंडर रूट का एक्स स्क्वायर और एक चीज होती है एक्स, इन दोनों में डिफरेंस हमने बता रखा है कि नहीं? हैव वी डिस्कस दिस थिंग, एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर में डिफरेंस, क्या इस बारे में कोई बात हुई है? यस बच्चे बता रहे हैं यस। अच्छा तो नए बच्चों से पूछ सकते हैं, हर्षी और माधव, पारुल का तो कनेक्ट नहीं हो पाया किसी वजह से, उनके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। हर्षी और माधव, आपको इन दोनों में डिफरेंस आता है क्या? यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये दोनों सेम चीज है? अच्छा पारुल इज देयर, वेरी नाइस, गुड इवनिंग पारुल। पारुल आपको प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आ जाएगा जो भी आपका मिस हुआ है, और इसमें हमने कुछ नया नहीं पढ़ाया है, हमने डिस्कशन करवाया है, जो कल के थियरी थी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करवाए हैं जो हमारी असाइनमेंट शीट के हैं,
तो उनका डिस्कशन बहुत आराम से आपको वीडियो लेक्चर से समझ में आ जाएगा. कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी कि कल का फिजिक्स का लेक्चर आपको कितना समझ में आया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला? और कल का जो सेकंड लेक्चर आपके बैच में हुआ था, या था भी कि नहीं था कल का सेकंड लेक्चर, क्योंकि आप लोगों का लेक्चर आज है. आप कल नहीं था कोई लेक्चर आप लोगों का? हाँ कल था, तो कंबाइंड लेक्चर रखा था. तो पारुल आपने कल का सेकंड लेक्चर अटेंड किया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिक्स? यस सर. हाँ, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लेक्चर्स ओनली, सो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. अच्छा, आपका उससे पहले का मिस हो गया था यूनिट्स एंड डायमेंशन? अगर इन केस आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन मिस हुआ है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी प्रेजेंट है, और साथ में संजय जैन सर से भी आपकी डायरेक्ट बात हो सकती है. दैट मच आई हैव कम्युनिकेटेड. एनीवे, ये है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर में क्या डिफरेंस है. एक्स टू है तब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर टू दे रहा है, एक्स माइनस टू है तब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर टू दे रहा है. अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमें दूसरे नाम से पुकारेंगे, उसको नाम दे देंगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स, या हम इसको कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, या हम दूसरे नाम से कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या हम कहेंगे इसको मॉड्यूलस फंक्शन. इसके तीन नाम, कृष्ण के नैया कान्हा, सब भगवान कृष्ण के ही नाम है. मुरली मनोहर, माखन चोर, तो ये मॉड्यूलस के नाम है, मॉड्यूलस फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि अगर ये ओरिजिन है जीरो, यहाँ पे टू है, यहाँ पे माइनस टू है, तो इसकी डिस्टेंस भी टू यूनिट्स है और इसकी डिस्टेंस भी टू यूनिट्स है, तो मॉड्यूलस ऑफ टू इज ऑल्सो टू. Modulus of minus 2 is also 2. So this is called modulus. So we can say that modulus of x is equal to x agar x 0 ya 0 se bada hai, minus x agar x 0 se chhota hai. Agar ye khud positive quantity hai ya non-negative hai, to jo ye hai wahi iska modulus hai. अगर ये ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन है तो जो एक्स है वही मॉड्यूलस एक्स है, अगर ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन है. और अगर ये लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, एक्स लेस देन जीरो है, एक्स माइनस टू है, तो माइनस ऑफ एक्स विल बिकम माइनस ऑफ माइनस टू. ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा और टू आएगा. कि अगर एक्स नेगेटिव हुआ, अगर एक्स बराबर माइनस फाइव हुआ जैसा कि यहां पर कहा जा रहा है, तो इस माइनस के आगे एक और माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस का फाइव, वो मॉड बनता है. मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज एक्स. अगर समोसा पका हुआ है तो पका पकाया समोसा यहां पे रख दो, अगर समोसा कच्चा है तो उसके आगे आग लगा दो, समोसा पक जाएगा. पके हुए समोसे किस तरफ है? जीरो के राइट साइड पर. कच्चे समोसे किस तरफ है? जीरो की लेफ्ट साइड. समोसा कैसे पकता है? नीचे से आग लगानी पड़ती है तेल में जिसमें भरा होता है समोसा. आग यहाँ पे कौन लगा रहा? माइनस साइन. माइनस साइन की आग लगा के समोसा पका दिया. माइनस फाइव था, माइनस माइनस प्लस फाइव कर दिया. तो अगर किसी ने कहा मॉड्यूलस ऑफ एक्स बराबर फाइव है, तो एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है? प्लस फाइव, माइनस फाइव. किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू पांच है तो वो खुद क्या हो सकता है? प्लस का पांच या माइनस का पांच. किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू दस है तो वो खुद क्या हो सकता है? प्लस टेन या माइनस. प्लस टेन या फिर माइनस टेन. लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी ने कहा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन वन,
इक्वल में तो आपको पता लग गया, तो आप मुझे बता सकते हो कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है अगर मॉडुलस ऑफ x 1 से छोटा है? दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल. अच्छा ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, हैव वी डिस्कस दिस थिंग? कि मॉडुलस ऑफ x अगर 1 से छोटा है तो x कहां से कहां तक होगा? ये जीरो है, ये वन है, ये माइनस वन है, तो एक्स जो है वो यहां से यहां तक हो सकता है. एब्सोल्यूट वैल्यू वन से कम होनी चाहिए, मतलब या तो राइट साइड में वन तक या लेफ्ट साइड में माइनस वन तक. आप यहां होगे तब भी डिस्टेंस वन से कम है, यहां होगे तब भी डिस्टेंस वन से कम है, यहाँ 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 सब जगह, एवरीवेयर एवरीवेयर ऑल द प्लेसेस मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन ऑन दैट, तो एक्स विल लाई बिटवीन माइनस वन टू. Yeah, x belongs to open interval minus 1 to 1. Or agar kisi ne kaha mod of x is greater than 1. Mod of x is greater than 1. Tab kya hoga? Absolute value 1 se zyada hai. To iska matlab kaha hona chahiye, ya to 1 ke aage ya minus 1 ke piche. To x ya to greater than 1 or x less than minus 1. Ya to 1 ke us set pe, minus 1 ke is set. यानी कि माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी, दैट्स द आंसर. मॉड ऑफ एक्स वन से बड़ा है, इसका मतलब वन के आगे है, माइनस वन के पीछे. कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? नए बच्चों में पारुल, हर्षी, माधव, अगर आप तीनों में से किसी को भी ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई डिफिकल्टी हो रही हो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन वन होगा तो एक्स माइनस वन से वन के बीच में होगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स अगर वन से बड़ा होगा तो एक्स या तो वन के आगे होगा या माइनस वन के पीछे होगा. अगर हम ये पूछें कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सॉल्व फॉर x. सर मॉड से नेगेटिव वैल्यू बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, श्रेय ने पूछा. श्रेय ने, श्रेय आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन. एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? मॉड से बाहर नहीं आती, ये कहती है कि मॉड ऑफ माइनस टू, ये पूछती है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो हम बता देते हैं टू. और अगर टू पूछता है कि मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो बता देते हैं टू. तो ये बाहर नहीं आती, इसके ऊपर एक ऑपरेशन होता है, उसके बाद बाहर आती है. ऑपरेशन ये होती है कि तुम माइनस टू हो, तुम्हारी ओरिजिन से दूरी कितनी है, तो बताता है कि टू. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है? टू. तो टू लिख दिया. बाहर आना अंदर जाना कुछ नहीं होता. डज दैट क्लियर योर डाउट श्रेय, श्रेया या श्रेय जो भी है? यस सर. राइट श्रेया, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जैसे मॉड ऑफ एक्स अगर वन या वन से बड़ा होता तो एक्स वन या वन से बड़ा होता या माइनस वन या उससे छोटा हो, तो इसी तरीके से एक्स माइनस फाइव वन या वन से बड़ा होगा या फिर माइनस वन से छोटा होगा. तो यहाँ पे होगा फाइव प्लस वन, यहाँ पे होगा फाइव माइनस वन, यहाँ पे होगा सिक्स या सिक्स से बड़ा, यहाँ पे होगा फोर या फोर से छोटा. इसका मतलब हुआ सिक्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब हुआ माइनस इनफिनिटी टू फोर. तो फाइनली इन दोनों का और है, और का मतलब होता है यूनियन. Or is equivalent to union and is equivalent to intersection. This is union, this is intersection. Union and this is intersection. तो इनका union लेंगे तो finally answer क्या आ जाएगा? X belongs to minus infinity to 4,
union 6 to infinite. There's the answer. Ronak, Tanishk, Munmun, Vipul, Ayush, Harsh, Divyanshi, Dishita, Surbhi, Tarun. Tarun ne galat answer bheja vaise. Tarun Chaudhary ka. Tarun Chaudhary, Om, Ronak. Ye kahi pehle wala sawal nahi tha kya? Isse pehle ka sawal tha kya? Nahi, in sab ne answer galat bheja tha. Madhav, Vipul, Tanishk, Ronak, Om, Tarun. इन सब ने आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, उल्टा ले लिया था. बाकी आई होप. अच्छा चलो सब बच्चे ये वाला करके दिखाओ. मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू फाइव, ये करके बताओ. वेरी नाइस, वंडरफुल. बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है. दो बच्चों ने शुरू में गलत दे दिया था, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनके, लेकिन दो बच्चों ने शुरू में गलत दे दिया था, बाकी सबने सही दिया है. खैर अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 69 देखें, यह x square minus 5 tan modulus of x plus 6 less than 0. इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉड ऑफ एक्स कभी एक्स भी बनता है, कभी माइनस एक्स भी बनता है. एक्स कब बनता है, जब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होता है. माइनस एक्स कब बनता है, जब एक्स जीरो से छोटा होता है. तो हमें इसी इक्वालिटी को दो तरीके से लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो. इस केस में लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो. तो यहां पर दो अम्ब्रेला है. एक अम्ब्रेला क्या है, एक अम्ब्रेला है जीरो या जीरो से आगे वाला, ये अम्ब्रेला. एक अम्ब्रेला क्या है, जीरो या जीरो से छोटा वाला. मतलब इस अम्ब्रेला के अंदर क्या है, क्लोज इंटरवल जीरो से इनफाइनाइट. इस इंटरवल के अंदर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो. तो इस अम्ब्रेला के अंदर जो भी कुछ आएगा वो इस सॉल्यूशन का ले लेंगे, जो इस अम्ब्रेला के बाहर आएगा वो इस सॉल्यूशन का छोड़ देंगे. या दूसरे शब्दों में इस अम्ब्रेला के साथ इसके सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन होगा, इस अम्ब्रेला के साथ इसके सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन होगा और इन दोनों का यूनियन होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है. ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो यहां से सॉल्यूशन निकालो, यहां से सॉल्यूशन निकालो, इन दोनों को कंबाइन करो. फॉर एग्जांपल ये आया x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो. तो इसने कहा x बिलोंग्स टू 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 थ्री, टू टू थ्री और इसका इंटरसेक्शन क्या है, ये खुद इसका और इसका इंटरसेक्शन टू टू थ्री आ गया.
यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो, ये होगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो, इससे क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू माइनस टू। इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये खुद ये पूरा इंटरसेक्शन इसका यही होगा, पर इन दोनों का आपस में यूनियन क्या होगा, इन दोनों को यूनियन कंबाइन कर देंगे तो आंसर विल बी माइनस थ्री टू माइनस टू यूनियन टू टू थ्री। जब तक इसमें मॉड्यूलस रहेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। यहां से मॉड्यूलस हटाने का तरीका क्या है, हमको केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। केस क्या होगा, अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स एक्स, अगर एक्स जीरो से छोटा है तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो हमने कहा पूरी रियल नंबर लाइन में एक साथ सॉल्व करने की बजाय हम रियल नंबर लाइन के अलग अलग भागों में जाके इसको सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव रियल नंबर के साथ, एक बार नॉन नेगेटिव रियल नंबर के साथ, यहां से सॉल्यूशन उठाएंगे पिक करेंगे जो इस इंटरवल को बिलोंग करेंगे या इसका के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा वो सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन पिक करेंगे जो नॉन नेगेटिव के साथ इंटरसेक्शन आएगा वो, और दोनों को कंबाइन कर देंगे। हाउ मेनी पीपल गॉट दिस लॉजिक, यस मेबी नो, हाँ सर पता कैसे लगा कि जीरो टू इंफिनिटी लेना है या फिर जो वैल्यू है वो लेना है? नहीं नहीं क्या कह रहे हो आप, यहाँ पे क्लोज इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी या ये सर क्या पूछ रहे हो? हमने अम्ब्रेला में रखा है मतलब कि क्लोज ब्रैकेट जीरो टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, तो इसे कब लेना है और जो आपकी जो वैल्यू है आरसी में उसे कब लेना है सर, ये कैसे पता चलता है हमको? आपके बहुत स्लो आवाज आ रही है, बहुत स्लो, फिर से बोलो सर। अगर आपने दे रखा है अम्ब्रेला में जीरो टू मतलब क्लोज इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी, सर ये कब लेना है और ये जो आपकी जो वैल्यू आई है x belongs to comma 3 ये कब लेना है? अलग क्वेश्चन, अलग नॉट इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहने का मतलब है ये अम्ब्रेलास डिसाइड होंगे इसके बेसिस पे, मॉड्यूलस के बेसिस पे, कि जहां पे मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी जीरो हो रही है उसके बेसिस पे अम्ब्रेला डिसाइड होगा। क्योंकि अगर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू होता तो फिर ये होता ऐसा कि x माइनस टू, अगर x माइनस टू जीरो या जीरो से बड़ा है, नेगेटिव ऑफ x माइनस टू अगर x माइनस टू जीरो से छोटा, तो ये इंटरवल तो इस बेसिस पर डिसाइड होंगी x दो या दो से बड़ा है x दो से छोटा है, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो भी कुछ आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो था, इसने कहा जीरो से इनफाइनाइट, यहाँ इसने कहा टू से थ्री, इसने कहा टू से थ्री, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ टू से थ्री तो ही कॉमन है बस, तो इसलिए हमने उसको पिक कर लिया, इसका सोल्यूशन है। ओके सर, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लिया गया। ओके सर, इसी तरीके से इसका भी इसके साथ इंटरसेक्शन लिया गया कि यहाँ पे जीरो है, ये माइनस इनफाइनाइट था, यहाँ पे माइनस थ्री और माइनस टू थे, इन्होंने कहा कि यहां से यहां तक आया है, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन क्या है? एक आदमी कह रहा था कि जीरो से ओपन जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जाओ, और एक कह रहा था ये तो इन दोनों का कॉमन क्या है, माइनस थ्री टू माइनस टू, इसलिए ये आ गया। राइट, एक चीज और बता देता हूं मैं तुरंत फास्ट, क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ देन विल वाइंड अप, दो मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? या किसी को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लो, मैं वो क्लियर करा दूंगा इस बजाय इसके कि मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। सर अगर इसमें माइनस फाइव एक्स को हम माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स में स्प्लिट करें तो? माइनस फाइव एक्स को माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स, हाँ फिर क्या होगा? सर आंसर नहीं आ रहा सर इससे, लेकिन ये फैक्टराइज सही से नहीं हो रहा है ना, ये सिक्स वन का सिक्स नेगेटिव का आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव का आ रहा है, ये फैक्टराइजेशन गलत है ना? हाँ ओके सर,
क्वेश्चन नंबर 75 में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ध्यान से देखें बच्चे जरा, लेस देन 3x-3, इस क्वांटिटी को देखो आप, ये क्या है, x-3 इनटू x+1 है, तो इसके बारे में हमें ये पता है कि यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जब मॉड लिया जाएगा तो 3 या 3 के आगे या -1 या उसके पहले, तो ये क्वांटिटी का मॉड विल बी x square minus 2x minus 3 ऑन द अदर हैंड, इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इसके अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, इसलिए इसका मॉड यहां पर नेगेटिव ऑफ x square minus 2x minus 3 होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है कि मॉड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू x-3 into x+1 फॉर द इंटरवल -∞ to -1 union 3 to infinite एंड नेगेटिव ऑफ x-3 x+1 फॉर द इंटरवल -1 to 3 when x belongs to। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है कि हमने मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिख रखी थी उसका हमने बेबी कर्व बना लिया, ये जो थी वो ये है, उसका वीवी कर्व ये है, उसके बारे में हमें ये पता है कि ये क्वांटिटी 3 के आगे पॉजिटिव है, -1 के पहले पॉजिटिव है और बीच में नेगेटिव है, और मॉड की क्वालिटी हमें ये पता है या मॉड की कैरेक्टरिस्टिक हमें ये पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा हो, माइनस एक्स अगर एक्स 0 से छोटा हो। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा भी कह दे मेडक का मॉड बराबर मेडक, अगर मेडक 0 या 0 से बड़ा है, नेगेटिव ऑफ मेडक अगर मेडक 0 से, मेडक 0 से छोटा, हमारी बात मॉड ऑफ मेडक बराबर मेडक अगर मेडक 0 या 0 से बड़ा है। मैंने फनी एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपके दिमाग में उसकी प्रेजेंस रजिस्टर हो पाए कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं। मॉड ऑफ मेडक बराबर मेडक अगर मेडक 0 या 0 से बड़ा है, नेगेटिव ऑफ मेडक अगर मेडक 0 से छोटा है, तो मेडक की जगह कुछ भी हो सकता है, पंखा, बैंड, पेन, ट्यूबलाइट, भैंस, कबूतर, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी तो हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको पता है ये फैक्टराइजेशन है, आपको पता है उसका ये वीवी कर्व है, आपको पता है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, बीच में नेगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव होगा यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, तब तो इसकी जगह ये रिप्लेस किया जा सकता है। जब ये नेगेटिव होगा तब इसकी जगह इसका मॉड हटाने के लिए पहले आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो इंटरवल्स लेने पड़ेंगे, ये इनइक्वालिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब दिस विल लुक लाइक दिस कि भाई एक इंटरवल होगा -∞ से -1 union 3 से infinite, एक इंटरवल होगा -1 to 3। तो इस इंटरवल में इनइक्वालिटी कैसी दिखेगी, x square minus 2x minus 3 लेस देन 3x-3, ये केस वन होगा, दिस विल बी केस वन एंड दिस विल बी केस टू, जब 1 से 3 के बीच में यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑफ x square minus 2x minus 3 लेस देन 3x-3, यहाँ पे इनके बीच में दीवार खिंच जाएगी, यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। टीवी पे ऐड आता है सीमेंट का, ये दीवार टूटती क्यों नहीं भैया, तो इनके बीच में दीवार एंड में टूट जाएगी और इनके सॉल्यूशन का यूनियन आ जाएगा।
क्योंकि एनीवे ये दोनों जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है. यहां से सॉल्यूशन आएगा, यहां से सॉल्यूशन आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, जो भी आएगा इसके साथ यूनियन. रिप्लेस मॉड बाय दिस, रिप्लेस मॉड बाय दिस, सॉल्व इंटरसेक्शन, सॉल्व इंटरसेक्शन, यूनियन. कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? तो बस नोट डाउन कर लो, नैया पार हो जाएगी अगर कल थोड़ी सी मेहनत करके आ गए. कल मैंने बैच वन के साथ कंबाइंड क्लास लगाई है मैथ्स में इनइक्वालिटी की, सर जो है यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करके पढ़ाई करते रहो. मॉड्यूल से सर कंटिन्यू करेंगे इनइक्वालिटी, आगे से वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बैच वन में यहां तक हो गया है. या देख लो, देख लेते हैं कि हम डिसाइड कर लेंगे अगर इनकेस आप लोगों का कितना अटेम्प्ट हो पाता है. अभी बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है ना पहले पूरा, इससे पहले वाला भी 70 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया ना, 67 तक सारे बच्चों ने, तो ठीक है अभी उनको उनकी क्लास में कल आपको नहीं कराएंगे एंटर. या अगर चाहो तो हो भी सकता है क्योंकि मतलब यहीं तक पढ़ाया गया, वैसे तो उस वाली क्लास में भी यहीं तक पढ़ाया गया, उस इसके आगे का होगा इनइक्वालिटी. एनीवे दैट वी कैन डिसाइड, अगर नहीं भी समझ में आया तो मतलब मैं हूँ पढ़ाने के लिए, मैं तो मौजूद हुई हूँ, डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट का, कहीं नहीं जा रहा, मुझे पढ़ानी है मैथ्स. ऑल द बेस्ट बेटा है.